उज्जैन जिले के अंदर सैकड़ों क्विंटल गेहूं खरीदी केंद्र बने हुए हैं, जहां पर गेहूं खरीदी की जा रही है और किसानों का और इन गेहूं को पैकिंग किया जा रहा है प्लास्टिक के बारदान के अंदर। पर इस समय तेज धूप पड़ रही है, जिसकी वजह से यह पैकिंग किए हुए गेहूं के बारदान प्लास्टिक के खराब हो रहे हैं। और जैसे ही काम करने वाले कर्मचारी इन पैकिंग किए हुए गेहूं के बारदान को उठाते हैं, वैसे यह फट जाते हैं, जिससे गेहूं जमीन पर फैल जाता है और काफी नुकसान होता है। गाड़ी भरने के दौरान समय पर गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं, इसकी वजह से गेहूं खरीदी केंद्रों पर लाखों क्विंटल गेहूं प्लास्टिक के बारदान भरा रखा हुआ है, जो धूप की वजह से खराब हो रहा है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वह ट्रांसपोर्ट करने वाले ठेकेदार को निर्देश दे और कहे कि गेहूं खरीदी केंद्रों पर से जल्द से जल्द गेहूं को उठाया जाए, ताकि नुकसान न हो सके सरकार का। भाई साहब बताइए, यह कौन सा गेहूं खरीदी केंद्र है और किसानों के लिए किस प्रकार से बेहतर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और किस प्रकार से क्या है? ये सेवा सहकारी संस्था बलेडी के अंतर्गत तो बलेडी उपार्जन केंद्र के नाम से यहाँ उपार्जन केंद्र इस बार स्थापित हुआ है और यहाँ पे किसानों के लिए तो सभी तरह की हमने व्यवस्था की है। छाँव के लिए हमने टेंट भी लगा रखा है, बैठने के लिए कुर्सी वगैरह की व्यवस्था है और पानी वगैरह के लिए नान वगैरह बनी ठंडा पानी के लिए, और सामने बर्मा भी है। बर्मा लोग बर्मी से भी पानी पीते हैं, बाकी नान जो भी रहता है नान में भी पानी उपलब्ध रखते हैं। और जो लोग आते हैं उनको भी कोरोना जो भी बीमारी है इसके लिए तो हमने मास्क भी वितरण किए हैं, कुछ किसानों और मेहमानों को भी वितरण किए हैं। इसके बाद में आपने सैनिटाइजर वगैरह की भी हमने व्यवस्था कर रखी है, जो भी आता है उसको सैनिटाइजर वगैरह लगाने की सलाह देते हैं। भाई साहब, गेहूँ ये जो प्लास्टिक के जो बारदाने हैं काफ़ी मात्रा में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये धूप की वजह से खराब हो सकता है, इस बारे में आपने अधिकारियों को बता दिया कि इसको उठा लीजिए? इसके बारे में डेली अधिकारियों को सूचना दे रहे हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी को बता भी रहे हैं कि ये काफ़ी समय से पड़ा है, तो अभी बीच बीच में थोड़ा परिवहन हुआ है, अभी 10-12 हज़ार क्विंटल का परिवहन किया भी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में अभी पेंडिंग पड़ा है। करीब 19,000 क्विंटल यानी 38-39,000 कट्टे मेरे यहाँ स्टाक खड़े हैं, इनको अति शीघ्र परिवहन की आवश्यकता है। सर, वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।